कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बरती जा रही चौकसी लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनी हुई है। काशीपुर से सटे यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना गाइडलाइन के तहत पुलिस की सख्ती हो रही है, तो वहीं बॉर्डर पर प्राइवेट बसों का संचालन बंद होने से लोगों की जेब पर अनैतिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए दूसरे जनपद और इलाकों से आने वाले यात्रियों को कई किलोमीटर दूरी पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना अनिवार्य है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो कोरोना के जो केस हैं वो कम होंगे। अब इससे दिक्कत का सामना तो करना, क्योंकि साफ साफ उत्तराखंड ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि कोई भी अगर बाहरी आदमी या टूरिस्ट यहाँ आता है तो अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ में लाए। अगर वो साथ में नहीं लाते हैं तो दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है और ये सबके इतना होगा। कल देखिए हम मेरठ गए तो हमारे को कोई रोक टोक नहीं हुई, आज हम अपने उत्तराखंड में आ रहे, अपने घर पे आ रहे, तो आज रोक टोक क्यों हो रही है? बकायदा इन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट लाओ तो वैक्सीन लगाइए, जब कोरोना होता था क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगा देते हमें? तो हम ये जानना चाहते, छोटे छोटे बच्चे वाले कितने लोग देखो परेशान हो के दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, तो बस से उतर के हम दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं तो कोरोना है क्या या उस बस में कोरोना है रो बताइए हमें आप। परेशानी तो है अभी वहाँ से, वहाँ तक आए रक्षे में, रक्षे वाले ने वहाँ तक प्रधान कर दिया, मुश्किल तो वहाँ तक आए, अब यहाँ से पैदल आ रहे हैं चल के, अब फिर गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी तलाश कर रहे हैं, रोडवेज में बैठे हैं, रोडवेज वाला भी नहीं बैठा रहा, पहले क्या हम 10 रुपये में पहुँच जाते थे, अब 30-30 रुपये सवारी लग रही है। आम आदमी की जेब से ज़्यादा खर्चा हो गया है, ज़्यादा तो खर्चा हो ही रहा है। वो तराई पश्चिम वन प्रभाग की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश की अमानगढ़ रेंज में इलाज न मिल पाने के कारण एक हाथी ने दम तोड़ दिया। हफ्तों के बाद हाथी का सड़ा गला शव रेंज कर्मियों को गश्त के दौरान मिला। हाथी का शव देखकर वन विभाग में हड़कंप मच गया। जो अमानगढ़ में एक हाथी का सड़ा गला शव मिला है, जिसमें पूरी तरह से विभागीय अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही सामने आई, खाली गश्त के नाम से खाना पूर्ति की जाती है, प्रॉपर गश्त नहीं की जाती है, तभी जंगली जानवर और ख़ास तौर से टाइगर और बाघ के मरने का कई हफ्तों बाद पता लगना इस बात को प्रमाणित करता है। और इस मामले को लेकर संगठन द्वारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड को एक पत्र लिखा जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब कॉर्बेट पार्क लाइट एंड साउंड शो के जरिए पर्यटकों को कॉर्बेट के दर्शन करवाएगा। आम डंडा में लाइट एंड साउंड शो का सिस्टम लगाया जाएगा ताकि पर्यटक इस शो के माध्यम से कॉर्बेट के सभी रेंजों से रूबरू हो सकें और वन्य जीवों के बारे में जान सकें। विश्व वानिकी दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आम डंडा के समीप एक लाइट एंड साउंड शो स्थापित करने का घोषणा की गई है। इसके संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा तैयारी जो है प्रारंभ कर दी गई है। अभी इसमें RFP जो है वो इन्वाइट किए गए हैं अलग अलग बिडर्स से, जो इसमें क्या थीम होगी, क्या उनकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगेंगे और किस तरह से उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम को, उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में जहां परिवहन निगम के कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही 520 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। हल्द्वानी में भी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में कुमाऊं क्षेत्र की शाखा के कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो में आम बैठक कर सरकार को अपने रुके हुए वेतन को देने की मांग की। जो हमारा 5 महीने का वेतन लेट हो रहा, हमारा मांग पत्र में भी ये चल रहा था पूर्व से ही, 1 मई से हमारा ये चल रहा था, उसके बाद कोर्ट में भी हमारी रेट लगी हुई है वेतन को लेकर के। जब वेतन को रेट लेकर लगी थी, जब ने कोर्ट ने जब ये पूछा था इनसे कि आप अपना प्रस्ताव पेश करो और ये 164 करोड़ रुपया जो है आप कैबिनेट की बैठक में इसे पास कराओ ताकि उसको वेतन मिल सके, लेकिन परिवहन निगम ने उस चीज़ को जो पेश किया है कोर्ट में वो आधा अधूरा पेश किया। जो हमारे पद रिक्त होते जा रहे हैं उनके सापेक्ष नियमित भर्ती न करना, अब जब नियमित भर्ती नहीं होगी, जो हमारे 10 से 15 वर्ष तक जो हमारे संविदा विशेष श्रेणी के जो चालक हैं और तकनीकी संवर्ग के जो विशेष श्रेणी चालक हैं, तो इनकी नियमित नियुक्ति का जो है रास्ता समाप्त कर दिया होगा। फ्री बिजली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब बीजेपी 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा उत्तराखंड की जनता से कर रही है तो 2022 के चुनाव का इंतजार क्यों है? अभी से ही जनता को फ्री बिजली क्यों नहीं दी जाती?
वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। महंगाई बढ़ा करके तेल, चाहे रसोई गैस, चाहे खाद्य सामग्री, चाहे चिकित्सा, चिकित्सा में भी लोगों को आयुष्मान योजना का कोई लाभ नहीं मिला और लोग ठगे रह गए। तो ये सब पर पर्दा डालने के लिए नया मुख्यमंत्री चेहरा आया, ताकि लोगों का ध्यान भटके और उसके बाद अब ये इस तरह से जो है मुफ्त बिजली की बात कह के, एक दिन पहले हरक सिंह रावत जी ने मुफ्त बिजली की बात कही, दूसरे दिन उससे पलटी मार गए। तो क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपने 15 लाख तो दिए नहीं लोगों को, जो पिछले घोषणा पत्र में 2017 के जो आपने वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, अब फिर नई घोषणा किस बात की? बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी संयुक्ता सिंह ने बेरीनाग के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की बैठक है और हम लोग एक संगठन के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। वैसे तो कांग्रेस बहुत मजबूत है पिथौरागढ़ में और गांगुली हाट में, खास करके कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग को पार्टी ने भेजा है, प्रभार देके भेजा है कि हम लोग संगठन के बारे में हम लोग अपनी जानकारी लें और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भूमि प्रकरण मामले को जल्द ही हल नहीं किया जाता तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वाहनों के सामने वो लेट कर प्रदर्शन करेंगे। जब से ये शुरू हुआ है बेदखली की कार्रवाई 20 गांव की 6,000 एकड़ लगभग जमीन से, जिसमें हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और विशेषकर सारे समुदायों के परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, सारे लोग इससे प्रभावित हैं और प्रत्येक जाति वर्ग के लोग हैं इसमें। और ये मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उलझाया गया है कि लगभग 1-1.5 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उससे पहले की ये लड़ाई चल रही है, आज भी आंदोलन चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, जिनको हमारा भी पूर्ण समर्थन है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब समय सिर्फ चुनाव तक का बचा है, चुनाव से पहले पहले ये मामला हल हो जाना चाहिए। अगर ये मामला चुनाव से पहले हल ना हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे वो कोई संतरी हो, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाजपुर की सड़कों पर उसकी गाड़ी आएगी तो उसके सामने मैं लेटूंगा। सबसे पहले घुसने नहीं दिया जाएगा यहाँ के नौजवानों को साथ में लेकर के।